गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत खुश है ना, क्योंकि मौसम अच्छा है। हालांकि हमारे यहाँ पर रेगिस्तान है और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन मौसम ये कौन सा है? मानसून सीजन, बारिश का मौसम, बरसात का मौसम। और हमने चैप्टर भी कौन सा पढ़ा था? बरखा आई, जो कि क्या था? एक पोयम थी, एक कविता थी। इस कविता को हमने बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार लर्न किया है, रीडिंग भी किया है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से आप सीख गए हो कि इसमें क्या क्या, बारिश के मौसम में क्या क्या होता है। बरखा आई, जब बारिश आती है तो सभी जगह हरियाली छा जाती है, पेड़ों का एक एक पत्ता हरा हो जाता है, चिड़िया चहकने लगती है, कोयल अपनी मीठी आवाज में गाना गाती है, पपीहा पीहू पीहू करता है और मोर नाचने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, आकाश में बादल काले काले छाते हैं, बिजली गड़ 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 चमकती है, बादल गड़ गड़ की आवाज करते हैं, बिजली चमकती है और बादलों में शाम के समय कई बार इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है। तो ये सब हमने पोयम में पढ़ा था और आपको मैंने कहा था कि ये पोयम अच्छे से लर्न कर लेना, तो आप, हो सकता है आप में से कुछ एक ने नहीं की होगी, वरना ज्यादातर लोगों को वीडियो देखते देखते ही ये पोयम लर्न हो गई होगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीनिंग्स किए थे और नई चीज क्या सीखी थी? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? आप सब समझ गए होंगे कि जिस शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं उसको कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। एक से ज्यादा अर्थ लिखने होते हैं वो कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा हमने पढ़ा था वचन बदलो, वहां मैंने नई चीज सिखाई थी, जो बड़ी की मात्रा एक वचन में लगी होती है लास्ट में, तो बहुवचन बनाते समय उस वर्ड में लास्ट में छोटी ई की मात्रा हो जाती है और या आता है, या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। तो ये 2 चीज हमने सीखी थी, वो बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। पर्यायवाची में ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज 2 मीनिंग में है, यदि आपने 1 मीनिंग लिखा है तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो अब हम आज इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर हमने कल नहीं किए थे, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नए पेज से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वापस लेसन का नाम लिखेंगे, बरखा आई लेसन नंबर 5। हेडिंग लगाएंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बारिश होने के बाद चारों तरफ क्या दिखाई देता है? जब बारिश आती है तो आगे पीछे चारों तरफ हम क्या देखते हैं? हरा भरा माहौल, हरा भरा वातावरण जहाँ होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? हरियाली। तो चारों तरफ क्या दिखाई देती है? हरियाली। आंसर लिखेंगे, बारिश होने के बाद चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। बारिश होने के बाद चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? कौन सा मौसम अच्छा लगता है आपको? बारिश का। सब बच्चों को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। अब आगे क्वेश्चन है क्यों, इसको मैं केवल एक लाइन में लिखाऊंगी, आप चाहें तो इसको बड़ा भी लिख सकते हैं। मैं समझा दे रही हूँ कि हमको बारिश का मौसम सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में सारे पक्षी अलग अलग आवाज में अपना गाना सुनाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हम कागज की नाव पानी में तैराते हैं, बारिश में नहाना हमको अच्छा लगता है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है, बारिश के मौसम में मोर अपना डांस नाच दिखाता है। इन सारे कारण की वजह से मुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता है। लेकिन जितना मैंने बोला, यदि आप उतना पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, इसलिए हम एक ही लाइन में लिखेंगे, मुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ हरियाली छा
जाती है। मुझे बरसात का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वापस एक बार देखिए, मुझे बरसात का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। थर्ड क्वेश्चन, बारिश आने से पहले आसमान कैसा होता है? जब बारिश आने वाली होती है तो आकाश में क्या होता है, चारों तरफ बादल कैसे हो जाते हैं, काले 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 बादल छा जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे, बारिश आने से पहले आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। बारिश आने से पहले आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डालों पर हरियाली कब आती है? पेड़ों की डाल जो है वहाँ हरियाली कब छाती है, बारिश आने पर या वर्षा आने पर? तो आंसर लिखेंगे, डालों पर हरियाली वर्षा ऋतु में आती है। डालों पर हरियाली वर्षा ऋतु में आती है। डालों पर हरियाली वर्षा ऋतु में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखा आने से कौन कौन खुश हुआ? बरखा आने से कौन कौन खुश हुआ? ये जो पोयम में है वो ही लिखना है। ऐसे आप कहोगे हम भी खुश हुए, लेकिन पोयम में आपका जिक्र नहीं किया है। पोयम में पक्षियों का जिक्र किया है, कोयल, पपीहा और मोर। तो आंसर में लिखेंगे, बरखा आने से कोयल, पपीहा और मोर खुश हुए। बरखा आने से कोयल, पपीहा और मोर खुश हुए। लास्ट क्वेश्चन है, मोर नाच कब दिखाता है? मोर नाच कब दिखाता है? कब दिखाता है? बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में, बारिश आने पर। तो हम आंसर लिखेंगे, बारिश आने पर मोर नाच दिखाता है। बारिश आने पर मोर नाच दिखाता है। आप गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में देखेंगे तो आपको मोर नाच करते हुए कभी नहीं दिखाई देगा, केवल इस मौसम में ही मोर नाच दिखाता है। और लिखेंगे, बारिश आने पर मोर नाच दिखाता है। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से जैसे पीडीएफ आएगा उसको देख देख कर अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।